टोटल धमाल आई थिंक मैंने जब ट्रेलर देखा तभी मैंने बताया था इट इज़ अ टोटल फ्लॉप, बट आई वॉज रॉन्ग. टोटल धमाल इज़ अ टोटल डिजास्टर, इट इज़ नॉट फ्लॉप, इट्स अ डिजास्टर. ये मूवी मैंने देखी है सिर्फ अजय देवगन को देखने के लिए गया था मैं. टोटल फर्स्ट आई धमाल सीरीज इट वॉज अ ब्लॉक बस्टर, फिर आई डबल धमाल, बट वो थोड़ी नीचे थी, बट ओके ओके टाइप्स, बट थर्ड तो एकदम नीचे, एकदम अंदर ही चली गई ज़मीन के. इट इज़ अ टोटल डिजास्टर. मैंने एक मूवी देखी थी 2008 में, मान गए मुगले आजम, आई थिंक बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगी, वो मल्लिका शेरावत की. तब मुझे लगा था इंटरनल भाग जाओ यहाँ से, बट फिर भी चलो यार अभी आके देख लेते. वैसा अभी आज मुझे हुआ है 11 साल बाद कि इंटरनल हुआ कि सोचा क्या करूँ यार, बोला चल देख लेते. अभी एडवेंचरस दिखाया, बोले कि एडवेंचरस दिखाएंगे, बट वो सेकेंड पार्ट में आया और सेकेंड पार्ट इतना स्लो था, मतलब इट वॉज बोरिंग एंड VFX वॉज पथेटिक. अभी सब लोग कहाँ गए जब तग्ज़ ऑफ हिंदुस्तान, रेस 3 एंड 0 के मजाक उड़ा रहे थे, एक एक फ्रेम लेके आप लोग मजाक उड़ा रहे थे कि खान्स का ऐसा है, ये किया वो किया. अभी यहाँ पे वो अनिल कपूर टाइगर को बोल रहा है वहाँ देख, तो टाइगर वहाँ देखता है. लाइन अजय देवगन के ऊपर बैठ के बोल रहा है, ईशा देवर कुछ ईशा गुप्ता कुछ अलग लैंग्वेज में बात करती है तो वो समझ जाता है लाइन, बट ये लोग हिंदी बात कर फिर भी समझ रहे, बट ये चल जाता है ये लोग करे तो. अगर खान्स लोग करते तो तकलीफ होती है, ऐसा क्यों? थर्ड क्लास जो VFX आर्टिस्ट भी होगा ना वो भी आज खुश हो जाएगा कि यार हम लोग से भी घटिया लोग करने वाले. इट वॉज अ थर्ड क्लास VFX, मतलब डायलॉग्स भी ठीक ठाक थे सिर्फ, और अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित टोटल वेस्ट, मतलब ज़रूरत ही नहीं थी मूवी में. झरने से नीचे गिर गए वही कपड़े में लोग वापस बाहर आए, मतलब कपड़े भी सूख गए. ये जो सलमान शाहरुख करते तभी एक एक मीम्स लेके बनाते, पूरा पेज बना देते मीम्स के बारे में कि ये लोग ने ऐसा किया, ऐसा कैसे हो सकता है, इतने ऊपर से कुछ जिंदा कैसे बच गए, ये लोग ने किया तो हंसी आ रही है. इट वॉज अ टोटल डिजास्टर टॉर्चर मूवी. पता नहीं पब्लिक को कैसे पसंद आ रही है. अभी लॉजिक क्यों चाहिए? अभी नो लॉजिक कर रहे हो. सलमान शाहरुख की मूवी आती तो लॉजिक चाहिए, भाई ने क्या बना दिया, शाहरुख ने क्या बना दिया, अभी क्या हो गया आप लोगों को? हाँ वो जोड़ी तो बहुत अच्छी है, बट मुझे सोचा था कि बमन रॉय, आदि मानव और इंस्पेक्टर कबीर, देखो अभी भी याद है वो 2011 में लास्ट आई थी डबल धमाल, वही कैरेक्टर लेके बनानी चाहिए थी. इसमें जानबूझ के अजय देवगन को घुसा दिया, अनिल कपूर को घुसा दिया, माधुरी को घुसा दिया लाइमलाइट में खड़ा करने के लिए. स्टार्ट में गाना थे पैसा पैसा, इट वॉज अ ग्रैंड स्केल, मतलब देख के मजा आया कि अरे कुछ होगा, बट इट वॉज अ टोटल फ्लॉप. मुंगड़ा मुंगड़ा जब गाना आता है अपने, जो मुन्नी बदनाम, शीला की जवानी, चिकनी चमेली जब बजता है पब्लिक चिल्लाती है वंस मोर, मुंगड़ा आया था पब्लिक बोल रही है अरे फास्ट फॉरवर्ड करो, भगाओ गाने को, मतलब पब्लिक को इतना बोर हो गया था गाने से. डोंट ट्राई टू कंपेयर एप्पल्स टू ऑरेंजेस, हेलन जी का गाना आप सोनाशी को दे रहे हो यार, मतलब कचरा हो गया पूरा यार. प्लीज़ डोंट ट्राई टू मेक दिस काइंड ऑफ सॉन्ग्स व्हेन यू कांट हैंडल इट प्रॉपरली. तो वो बहुत ही बेकार था रिस्पॉन्स, बहुत ही गंदा है. आई थिंक किसी को पसंद नहीं आया वो गाना.